नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके लाइव में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीके के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग 20 क्वेश्चन, जिनके आंसर भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो जीके काम आने वाले हैं आपके सरकारी नौकरी की भर्तियों के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेना। सवाल नंबर एक, ऐसी कौन सी मछली है जो पानी में नहीं बल्कि जमीन पर रहती है? आपका ऑप्शन है ए ब्लेनिज, बी डॉल्फिन, सी स्टारफिश, डी जेलीफिश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लेनिज मछली। सवाल नंबर दो, किस देश में एक भी न्यूज पेपर चैनल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए भूटान में, बी बांग्लादेश में, सी वेटिकन सिटी में, डी कांगो में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वेटिकन सिटी में। सवाल नंबर तीन, शेर से पहले जंगल का राजा कौन था? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी गेंडा, सी हाथी, डी लोमड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी जानवर। सवाल नंबर चार, दुनिया की सबसे जहरीली मछली कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए स्टोनफिश, बी जेलीफिश, सी शार्क, डी शॉकफिश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टोनफिश। सवाल नंबर पांच, कौन सा जानवर नाक से पानी पीता है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी सांप, सी गेंडा, डी हाथी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाथी जानवर। सवाल नंबर छः, जल का राजा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कछुआ को, बी मगरमच्छ को, सी सी लायन को, डी ही लायन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सी लायन को। सवाल नंबर सात, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास शब्द बहुत है लेकिन वो बोलती नहीं? आपका ऑप्शन है ए पेन, बी पेंसिल, सी किताब, डी गूंगी गूंगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किताब वस्तु। सवाल नंबर आठ, कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए म्यांमार का, बी कांगो का, सी यमन का, डी अमेरिका का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार देश का। सवाल नंबर नौ, इजी का फुल फॉर्म क्या है? आपका ऑप्शन है ए ईट एक्टिव एंड स्लिप येट, बी ईट एक्टिविटी स्लिप एंड यू, बी सी ईट एक्टिविटी एंड स्लिप यू, डी ईट एक्टिव स्लिप एंड यू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
ईट एक्टिविटी स्लिप एंड यू। सवाल नंबर 10, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो ने, बी जेनर ने, सी आर्यभट्ट ने, डी चार्ल्स बेबेज ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो ने। सवाल नंबर 11, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी हिम तेंदुआ, सी तेंदुआ, डी हिरन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिम तेंदुआ। सवाल नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी नागपुर, सी मुंबई, डी दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई शहर। सवाल नंबर 13, मूंगफली की खेती में नंबर 1 पर कौन सा देश है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी रूस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश। सवाल नंबर 14, भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? आपका ऑप्शन है ए जयपुर में, बी बेंगलोर में, सी दिल्ली में, डी कोलकाता में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता शहर में। सवाल नंबर 15, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलता है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी चीन में, सी वेनेजुएला में, डी पाकिस्तान में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला देश में। सवाल नंबर 16, दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए सोमालिया में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी जापान में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोमालिया देश में। सवाल नंबर 17, कौन सा पक्षी अपने पैर धरती पर नहीं रखता है? आपका ऑप्शन है ए हमिंगबर्ड, बी बाज, सी हरियल पक्षी, डी तोता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हरियल पक्षी। सवाल नंबर 18, जख्म पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए याद आना, बी दुखी करना, सी नमक कम होना, डी गाँव गहरा होना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दुखी करना। सवाल नंबर 19, खाली पेट कौन सा फल खाने से इंसान मर सकता है? आपका ऑप्शन है ए अंगूर, बी केला, सी पपीता, डी खरबूजा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंगूर फल। सवाल नंबर 20, कौन सा सांप
घोंसला बनाकर रहता है। आपका ऑप्शन है ए अजगर, बी किंग कोबरा, सी ब्लैक सांप, सी डी चीतल। इस सवाल का सही जवाब क्या है, यदि आपको मालूम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक जरूरी सूचना, हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।